हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सुधार आज सुबह सुबह नीचे से माँ की इतना चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है बहुत देर तक पारुल ने आवाज़ सुनी और फिर अपने पति प्रकाश को जगाते हुए बोली प्रकाश उठो नीचे से मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं पारुल तुम चली जाओ न माँ पापा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं मुझे ऑफिस भी जाना है मैं थोड़ी देर में उठता हूँ तुम जाओ ना प्लीज देखो क्या हुआ है ऐसे बोलते बोलते प्रकाश नींद में बड़बड़ाते हुए सो गया अब पारुल को लगा कि कुछ गंभीर बात ना हो इसलिए वह सीढ़ियाँ उतर कर जैसे ही नीचे गई तो क्या देखती है कि उसकी सासू माँ उसके ससुर जी पर बहुत चिल्ला रही है मेरी सुबह की चाय इतनी लेट कर दी तुमने अब तो मेरे नहाने का समय हो गया है भाग्यवान मैं आज दूध लाने में लेट हो गया था इसलिए थोड़ी देरी हो गई बस अभी जल्दी से बन जाएगी मैडम आप बैठो तो सही ससुर जी बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए अब आप यह सोच रहे होंगे कि घर में बहू के होते हुए ससुर जी चाय बनाएं। इसमें पारुल का कोई दोष नहीं था दरअसल उसके ससुर जी उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही पारुल की सास के लिए सुबह की चाय बनाते थे जब पारुल ने यह दृश्य देखा तो उसे ससुर जी की यह अवस्था देखकर रहा नहीं गया और बोली पापा आप पीछे हटिए मैं आप दोनों के लिए भी चाय बना कर लाती हूँ इतना बोलने पर उसके ससुर जी बहुत ही अनमने मन से उसके सास के संग जाकर बैठ गए पारुल ने दोनों के लिए चाय बनाई और ट्रे में डालकर कमरे में देकर आई ज्यो त्यो झगड़ा निपटा पर फिर भी उसकी सासू माँ बार बार उसके ससुर जी को खरी खोटी सुना रही थी अब इन सब बातों से ऊपर उठकर पारुल ने अपनी दिनचर्या का शुभारम्भ किया नहा धोकर उसने पूजा की और फिर अपने लिए और पति के लिए सुबह की चाय बनाकर जैसे ही ऊपर ले जाने लगी तो उसको लगा अगर वह प्रकाश के लिए चाय ऊपर ले जाएगी तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि उनका नहाना नीचे ही होता था प्रकाश आप नीचे आ जाओ चाय ठंडी हो रही है सात बजने को हैं आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा पारुल ने जोर से प्रकाश को आवाज़ दी पारुल की सासू माँ अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी और बोली अरे बहू प्रकाश कहाँ सुबह सुबह उठकर नीचे आएगा जाओ तुम ही ले जाओ चाय उसके लिए यह सुनकर पारुल को गुस्सा तो बहुत आया परंतु झगड़ा ना हो जाए उसकी वजह से चुप कर गई और चाय लेकर ऊपर चली गई थोड़ी ही देर में प्रकाश के ऑफिस जाने का समय हो गया प्रकाश का नाश्ता और टिफिन बनाकर जैसे ही वह अपना और सास ससुर का खाना बनाने लगी तो घर में आटा खत्म हो गया तभी पारुल ने ऑफिस जाते हुए प्रकाश को टोकते हुए कहा प्रकाश घर में आटा खत्म हो गया है जरा गाड़ी से जल्दी जल्दी जाकर ले आओ बस पाँच मिनट ही तो लगेंगे अभी प्रकाश ने तो कोई जवाब नहीं दिया परंतु उसकी माँ झटाक से बोली बहू प्रकाश ऑफिस के लिए लेट हो रहा है वो कहा जाएगा मैं तुम्हारे ससुर जी को बोलती हूँ वो ले आएंगे यह सुनते ही प्रकाश ऑफिस चला गया अजी सुनते हो प्रकाश के पापा जाओ जरा आटा ले आओ ख़त्म हो गया है प्रकाश की माँ ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा अभी आता हूँ मैडम जी प्रकाश के पापा ने जवाब दिया पारुल के ससुर जी बाजार गए और आटा लेकर वापस आ गए ये किस दुकान से लाए हो शर्मा जी की दुकान से क्या पारुल की सास ने ससुर जी से पूछा हाँ भाग्यवान वहीं से लाया हूँ ससुर जी ने उत्तर दिया तुम्हें कितनी बार बोला है उनकी दुकान से सामान मत लाया करो बस सठिया गए हो कोई काम तो ठीक से करते नहीं और सासू माँ का बोलना फिर से चालू हो गया ससुर जी चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले चले गए पारुल को अपने ससुर जी के साथ अपनी सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसकी सासू माँ यह चाहती कि उसका बेटा ना तो बहू को किसी काम में हाथ बटाए, बस बहू उसकी सेवा में आगे पीछे होती रहे परंतु उनके पति सासू माँ को अपनी पलकों तले रखें, पारुल अपने पति की बहुत इज्जत करती थी उसकी सासू माँ के व्यवहार का असर पारुल पर बिल्कुल भी नहीं था उसकी सासू मां को अपनी पति की कदर हो उसके लिए पारुल को समझ आ गया कि उसे क्या करना है पारुल ने अपने पति को फोन पर सारी बात बताई और घर आने के बाद जैसा उसने अपने पति को बताया वैसा करने को कहा शाम को प्रकाश थोड़ा ऑफिस से लेट आया और पारुल के लिए गुलाब का फूल लेकर आया पारुल पारुल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया प्रकाश ने घर के अंदर आते हुए कहा प्रकाश ये क्या बात हुई इतना लेट आने का क्या मतलब है पारुल ने गुस्से से जवाब दिया मुझे नहीं चाहिए ये फूल और पारुल ने फूल उठाकर नीचे गिरा दिया नहीं पारुल ऐसे नहीं करते प्रकाश ऐसे बोलते बोलते पारुल के पीछे पीछे कमरे में चला गया यह सब देखकर पारुल की सासू माँ गुस्से में तिलमिला उठी और बोली एक तो लड़का थका मांदा ऑफिस से आया है और अब इस मैडम के नखरे उठाए बहू अपने पति की इज्जत करना सीखो सब कुछ वो तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के लिए ही कर रहा है जब पारुल की सासू माँ ने पति धर्म के ऊपर अच्छा खासा उपदेश दे दिया तब प्रकाश और पारुल दोनों अपने मुंह पर मुस्कान लिए बाहर आ गए और पारुल ने कहा माँ जी यही सब मैं आपसे कहना चाहती थी पर आप मुझसे बड़े हो इसलिए कह नहीं पाई पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं तभी तो आप कुछ भी बोलते हो तो सुन लेते हैं पारुल की यह बात सुनकर उसकी सासू मां शर्म से पानी पानी हो गई उसके बाद उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत सुधार हुआ आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद